नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि आईटीआई के पास, करनाल आईटीआई के पास ऑन हाईवे आप यहां पर देख सकते हैं दो गाड़ियों के बीच में भिड़त हुई है। दो गाड़ियों का यहां पर एक्सीडेंट हुआ है। कूलेंट भी आप देख सकते हैं जो कि बाहर, आप ये हरे रंग का जो कूलेंट होता है वो बाहर आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरीके से टूट फूट चुका है। हालांकि जो अगला जो इंडिकेटर होता है वो भी आप अगली जो लाइट्स होती हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो भी इस वक्त जग रही हैं और अगला जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो टूट चुका है। गाड़ी का नंबर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी। गाड़ी का नंबर है, स्विफ्ट गाड़ी है, HR12W6869 गाड़ी का नंबर है। अगली लाइट्स भी इस वक्त जल रही हैं, अगला हिस्सा। और दूसरी गाड़ी का मैं एक बार आपको नंबर दिखाना चाहूँगी, HR26C99049 ये गाड़ी का नंबर है। और इस गाड़ी का जो पिछला हिस्सा है वो भी टूट चुका है। इस गाड़ी के पिछले हिस्से से और इस गाड़ी के अगले हिस्से से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार टक्कर इन दोनों गाड़ियों के बीच में हुई होगी। क्या कुछ पूरा किस तरीके से हादसा होता है एक बार जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा तो कोई नहीं। आप यहाँ पर खड़े हुए? मैं तो देख रहा हूँ ना, बेचारे खड़े हैं सारे पुलिस वाले। अंकुर? हाँ जी, अंकुर चावला। और हम लोग चंडीगढ़ से रोहतक की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और ये गाड़ी बीच में रोड पे जैसे अभी खड़ी है, अभी इसके पीछे ही खड़ी थी और ओवरटेक करते हुए ये रोड के बीच में खड़े थे तो इनको पीछे से लगी है। मैंने कोशिश करी ब्रेक लगाने की बट काफ़ी दूर तक, और ये यहाँ पर सवारी उतार रहे थे। सवारी इन्होंने, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी सवारी? हाँ, ये खड़ी हुई थी, ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। और ये आपकी गाड़ी है? ये मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा था, मेरी वाइफ मेरे साथ है। आप चंडीगढ़ से रोहतक जा रहे थे? हम चंडीगढ़ से रोहतक जा रहे थे तो ये बीच में रोड में ऐसी खड़ी है जैसे अभी खड़ी है ये, बल्कि इधर हुई है गाड़ी और मेन हाईवे पे इन्होंने गाड़ी रोक के खड़े थे ये। तो अब ये तीसरी गाड़ी सर की होगी? ही इज माय फ्रेंड। ओके, आपके दोस्त हैं? तो फिर मेरे पीछे से हिट हुई है इनको और ये सवारी उतार रहे थे यहाँ रोड पे, मेन रोड पे। और इवन इनका नंबर भी कमर्शियल नहीं है, ही इज यूजिंग द पर्सनल नंबर। तो किसी को चोट वगैरह भी आई है सर? नहीं, चोट नहीं आई। चोट वगैरह नहीं आई। तो आप देख सकते हैं, अंकुर नाम बताया आपने, कहाँ के रहने वाले हैं? रोहतक। रोहतक की रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं चंडीगढ़ से रोहतक जा रहे थे, अंकुर इनका नाम है, रोहतक के ही रहने वाले हैं। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी इनकी है। और दूसरी गाड़ी मैं आपको बताऊं जिसमें से सवारियां जो उतारी जा रही थी वो आप चला रहे थे सर? यस। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है जी और मैं सिरसा से हूँ। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था अपने घर और मेरे साथ मेरा कोई जानकार था तो मैंने यहाँ पे आके साइड में लगा के देख लो आप, पूरी गाड़ी नीचे उतार दी सड़क से। पीछे से गाड़ी इनकी ओवर स्पीड सी, देखो आप पीछे से 150 मीटर के करीब करीब स्किट हुई है, ओवर स्पीड सी गाड़ी, ये ओवरटेक करे थे किसी को और इसे कंट्रोल नहीं हुई। इसी गाड़ी के सारे किसावट के निशान है। हाँ, ये स्किट हुई है, देख लो 150 मीटर स्किट हुई है, ओवर स्पीड गाड़ी थी और इनसे कंट्रोल नहीं हुई, पीछे से आगे अंदर मार दी, ये हुआ है। मैंने तो देख लो जी, आप व्हाइट पट्टी से आप देख सकते हो, व्हाइट पट्टी से नीचे उतार रखी है गाड़ी, फिर भी इन्होंने क्या किया पता नहीं, क्या था क्या नहीं था, कहाँ बिजी थे, पीछे से आके ओवर स्पीड में लाके। लेकिन वो तो आपको कह रहे हैं कि आपका कमर्शियल नंबर भी नहीं है सर। नहीं, कमर्शियल नंबर क्या जरूरत है, पर्सनल गाड़ी चलाएंगे, पर्सनल में कौन सा कमर्शियल चाहिए, जानकार भी हो सकता है कोई तो, ये तो नहीं है अभी पर्सनल नंबर है, पर्सनल नंबर गाड़ी है तो ये थोड़ी हम जानकार है उसको कमर्शियल में बिठाएं। सवारियां कौन सी थी? कोई सवारियां नहीं थी, ये वो ही जाने, इनके साथ भी तीन है फिर वो भी सवारियां ही होगी, इनके साथ तीन है वो भी सवारियां ही होगी, आपकी भी तो हमारा भी भाई हो सकता है, हमारा भाई। आपके साथ सर कौन कौन था? मैं था और मेरा एक फ्रेंड था और दो मेरे अंकल थे। सर आप कैसे कह सकते हैं, सर एक सेकंड, आप कैसे कह सकते हैं कि कमर्शियल थे वो? अभी इन्होंने मेरे सामने उनसे पैसे लिए, पैसे लिए थे इन्होंने, कैसे कह सकते हैं? वो जो दिल्ली में रहता हूँ, मेरी मिसिस गवर्नमेंट जॉब है तो वो वहाँ से मेरे साथ आए थे, मेरे अंकल थे तो उनको बोला यहाँ पे तो टाइम लगेगा, थाने में जाऊँगा तो आप लेट मत हो, आप घर निकलो, मैं आ जाऊँ। आपने पैसे लिए थे उनसे? क्यों लिए थे? बोल रहे हैं सर क्यों आपने पैसे लिए थे उनसे उतारने के बाद? गाड़ी के अंदर मेरे पॉकेट, ऊपर वाली पॉकेट, पीछे से गाड़ी लगी ना तो ऊपर से पैसे गिर गए थे गाड़ी के अंदर, वो मैं पैसे उठाए, ये बोले ये तो सवारियां है, फलाना है, ढिमकाना है, ये बोल रहे हैं। हालांकि मेरी गाड़ी में लगी गाड़ी पीछे से लाके, पीछे से लेके आके मेरी कमर्शियल नंबर का और का वो तो बातें बाद में करें ना, पीछे से लाके आके एक तो गाड़ी मारी, ऊपर से आके मैं नीचे उतर के इन्हीं से पूछ रहा हूँ चोट तो नहीं लगी, इनको गलत बोल रहा हूँ तो आप पूछ सकते हो। आपसे एक सवाल है, आपकी गाड़ी इस समय रोड के बीच में खड़ी है, लेन आप देख सकते हैं? आप लाइन ये देख सकते हैं जी, लाइन से नीचे है गाड़ी, लाइन से नीचे। हाँ, अब ये देख लो आप, ये देख लो आप पीछे से, आपसे भी एक सवाल करता हूँ जी, एक मिनट जी आपसे भी एक सवाल कर रहा हूँ जी, आप पीछे देखो जी कितनी दूर स्किट होके गाड़ी। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, पहले आप ये बात का जवाब दीजिए, ये आपकी गाड़ी इस समय ये लाइन दिख रही है आपको नीचे ये वाली,
ये लाइन से कहाँ पर आएगा? लाइन से ये देखो, इधर वाला टायर देखो आप कहाँ पे है, इधर वाला टायर देख लो, तो यानी कि गाड़ी के दोनों टायर इधर नहीं होने चाहिए। तो ये देख लो आप, ये कहाँ थे, ये पीछे से भी देख सकते हो आप, ये कहाँ थे। अरे मैं तो ड्राइव करके आ रहा हूँ, तो रुका हुआ है मेरे भाई। मैं जैसे कि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर 80 की स्पीड तो रखी जाती गाड़ी। हाँ जी, 90 लिमिट है। नहीं, यहाँ पर जो ये 100 से प्लस 3 की स्पीड है, देख सकते हो आप, आपकी गाड़ी हम, मेरा आपसे ये सवाल इसलिए है कि आपकी गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर है, आपकी गाड़ी आपने सड़क के बीच में रोकी हुई है, जैसे आपकी गाड़ी बीच में रोकी हुई है ना, मैं उसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, पर मेरी गाड़ी यहाँ पर सब कोई भी खड़ी करेगा तो लगेगी गाड़ी तो नहीं जी, मैं बीच में खड़ी कर रहा हूँ, ये मान नहीं रहे अपनी गलती। नहीं जी, मैं कोई बीच में नहीं खड़ी करी ना, और करी मैं तो यहाँ पार्किंग तो नहीं है ना, यही तो कहने जा रहा हूँ मैं। 90 की स्पीड दे रखी है तो गाड़ी है, उसको 100 चलाने के उनका तो कोई रूल नहीं है ना। आपके सामने तो बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, वो होगा जी, वो आगे सारी ऐसी गाड़ियां निकल रही है, जो आगे होगा वो देखा जाएगा, जो सही लगेगा वो कर देंगे। पुलिस आ रही है, प्रशासन आ रहा है, उसकी तरफ से जो होगा वो मंजूर होगा। ठीक है जी। सर आप क्या चाहते हैं, जिस तरीके से अभी? मैं कुछ नहीं चाहता, ये जो चाह रहे हैं इनको कर लेने दो, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये पे करें इसका। ये आपको क्या, ये आपको बोल रहे हैं पे करने? ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं पे करूं। व्हाई आई विल पे? ही इज रॉन्ग, ही इज स्टैंडिंग हेयर ऑन द हाईवे विदाउट एनी, मतलब कोई काम नहीं इसको, जस्ट ये सवारी उतार रहे थे, वो बता के गया आदमी कि हम उतर रहे थे यहाँ, एक बंदा, उसके बाद ये मुझे बोल रहे हैं, जबकि इनको ये पे करना चाहिए, इनकी मिस्टेक है। आपके साथ कितने लोग थे सर? मेरे साथ एक मेरा भाई था, वो चले गए, दूसरी गाड़ी आ रही थी रोहतक से पीछे से, और मेरी वाइफ है। किसी को कोई चोट वगैरह? कोई चोट नहीं, कोई चोट नहीं आई है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है दोनों जो हैं टूट फूट चुकी हैं, आगे से काफ़ी नुकसान हुआ है। दूसरी गाड़ी भी आप देख सकते हैं, HR 26 CN 9049, जो कि सड़क से आप लेन देख सकते हैं, लेन से इधर की तरफ खड़ी है, और सड़क आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी का कूलेंट बिखर चुका है। दूसरी तरफ गाड़ी जो नंबर है उसका आप देख सकते हैं HR 12 W 6869, तो ये नंबर है। और यहाँ पर जो है फिलहाल पुलिस प्रशासन की जो गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी जानकारी लेने का प्रयास जो है किया जा रहा है कि कैसे जो है पूरा हादसा हुआ है, और यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं ये गाड़ी, इसका इधर का पहिया आप देख सकते हैं दूसरी तरफ है, और जो दूसरी जो गाड़ी है एक बार आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गाड़ी है ये हाईवे के ऊपर जो है इस समय इस तरीके से थी, और यहाँ पर जो है पिछली गाड़ी आते हुए टकरा जाती है। तो आप बताइए क्या ये सही है, क्योंकि किसी तरीके से सही नहीं लग रहा है। यहाँ गाड़ी खड़ी होकर सवारियों को, जो सवारियाँ थी या जो भी परिवार के लोग थे, जो भी था, उसे उतारा जा रहा था गाड़ी से, और यहाँ पर जो है क्या ये चीज़ सही है, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है पीछे जो गाड़ी पीछे की तरफ लगी है, वो इनका कहना है कि ये हमसे जो है पूरी नुकसान के पैसे मांग रहे हैं, जबकि गलती इस गाड़ी की फ़िलहाल जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौके मौजूद है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर सर आपसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे, जो अभी आपने देखा है मौके के ऊपर क्या लग रहा है सर? देखिए अभी तो पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पर जो भी हैं, एक बार पता तो लगेगी क्या। अभी तक तो यही कह रहे हैं आगे वाली गाड़ी है जो वो खड़ी थी, जैसे मौके पर खड़ी आपके हिसाब से वो गाड़ी ठीक खड़ी है सामने वाले? बिल्कुल रॉन्ग खड़ी है, वो जिट रोड के ऊपर खड़ी है, ये साइड में ले भाई किस लिए, ये यहाँ पे लगा रही थी इनको, और ये ऐसा कुछ है भी नहीं कि कोई गाड़ी खराब हो रही है, जहाँ खड़ी है नेशनल हाईवे का ही तो हिस्सा है, बिल्कुल एनएच है यहाँ पर तो आप चलते हुए सेफ नहीं, और आप रोड के ऊपर खड़ी कर रहे हैं, तो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर आप क्या नुकसान चाहते हैं, जो नुकसान हुआ? हाँ बिल्कुल सर, जो नुकसान हुआ इनकी वजह से मेरा, इनको पे करना पड़ेगा। कहाँ से हैं सर आप? मैं रोहतक से हूँ। रोहतक से, क्या नाम है सर आपका? अंकुर चावला। और आप कहाँ से हैं? राहुल। कहाँ से? सिरसा से हूँ। सिरसा से, क्या नाम है आपका? राहुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, और यहाँ पर फिलहाल जो है हम ये को जो है कहना चाहेंगे कि चलो बाल बाल जो है जान बच गई, काफ़ी कोई बड़ा और बड़ा हादसा नहीं हुआ। गाड़ी को नुकसान देखकर तो देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है गाड़ियों का, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल सभी सेफ हैं, और जो दो आप देख सकते हैं स्विफ्ट गाड़ियाँ जो हैं कैसे आपस में इनकी जो है भिड़त हो जाती है, क्योंकि ये जो स्विफ्ट आप इस समय तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये स्विफ्ट इस तरीके से पार्किंग में खड़ी है, जीटी रोड का हिस्सा है, और इस तरीके से यहाँ बाहर खड़ी होकर इसे पार्क करके यहाँ से लोगों को उतारा जा रहा था, जबकि ये सड़क का हिस्सा है, और दूसरी तरफ से ये पीछे से आती है तो अचानक टक्कर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी जो है घड़ीस भी यहाँ पर लगी हैं, क्योंकि ब्रेकिंग करते समय घड़ीस
लग गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएच हाईवे का हिस्सा है। यहाँ पर तेज़ रफ्तार जो है गाड़ियाँ चलती हैं, 80-90-100 की रफ्तार होती है और ऐसे में लोगों से अपील है कि इस तरीके से गाड़ियों को ना जो है सड़क के ऊपर इस तरीके से उतारना हो तो सेफ जगह देखकर ही उतारें। तो देखिए किस तरीके से बड़ा हादसा हो गया, और भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिलहाल बार बार जो है यहाँ पर जान लोगों की बच गई, इसका हम शुक्र करते हैं और लोगों से जो है अपील करना चाहेंगे कि सही तरीके से गाड़ी को पार्क करें और जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन मौके पर है और नुकसान जो है गाड़ियों का आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ है। और यहाँ पर आप देख लीजिए तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजर रही हैं और यहाँ पर फिलहाल ये नुकसान जो है दूसरी गाड़ी का भी यहाँ हुआ और इधर से इस गाड़ी का भी। लेकिन यहाँ पर जो गलती है वो कहीं ना कहीं, यहाँ पुलिस प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि इसी गाड़ी का जो है गलतियाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर फिलहाल इसे टोचन करके ले जाने के लिए जो है क्रेन का भी यहाँ पर जो है प्रयोग किया जाएगा। और फिलहाल जो है यहाँ पर I-24 पर आपको ये बताना चाह रहे थे कि गाड़ी को सेफ चलाएं और गाड़ी पार्क भी करें, नेशनल हाईवे के ऊपर ना करें। अचानक से पीछे आती कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी कब जो है कुछ भी हालातों को बदल दे कुछ नहीं पता, और ऐसे में उस गाड़ी को नुकसान भी हो, उस गाड़ी के लोगों को भी नुकसान हो और आपको भी नुकसान हो। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के देखे जाते हैं, यहाँ पर गलत पार्किंग को लेकर भी जो है नेशनल हाईवे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें और फिलहाल जो है गाड़ियों को यहाँ पर टोचन करके ले जाने का प्रयास किया जाएगा। तो जितना भी हो सके इस खबर को शेयर करें। फिर से जुड़ेंगे I-24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद।